दोस्तों मुनावर फारूकी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंटिन्यूसली उन्हें पोक किया जा रहा है बिग बॉस के घर में, लेकिन हमें पता नहीं था कि करण जौहर ऐसी औकात देते हुए नजर आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जी हाँ, ईशा मलविया को मुनावर फारूकी के चक्कर में मिल गई है औकात। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईशा मलविया जो कि कंटिन्यूसली के इतना बड़े ही सोच समझ कर के पत्ता खेलने की कोशिश कर रही थी और मुनावर को कर रही थी पोक, वो ये बता रही थी कि आयशा का यूज़ करके घुसा है मुनावर। तो ऐसे में ईशा मलविया से कौन कहता है करण जौहर बड़ी ही तगड़ी औकात देते हुए नजर आई ईशा मलविया को, कि पूरे शो में धज्जे उड़ के ले गई और नज़र उठाने तक की हिम्मत नहीं हुई ईशा की। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करण जौहर कहते हुए नजर आए आप बड़े डबल स्टैंडर्ड हो, आप मुनावर को यूँ कह रही हैं कि मुनावर यूज़ थ्रू आउट करता है, मतलब यूज़ कर करके छोड़ देता है, और फिर बताया कि आयशा को कब यूज़ कर करके छोड़ा, वो तो कंटिन्यूसली उससे माफ़ी मांग रहा है, और तुम ये सब वो कहते हैं कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ ऐसे मजाक कर रही थी। तो करण कहते हुए नजर आए मैं समझता हूँ क्या एक्टिंग है और क्या कौन कब झूठ बोल रहा है, मैं यही काम करता हूँ ईशा। जब ये बात बोली ना तो ईशा के बिल्कुल ही तोते उड़ करके रह गए, क्योंकि कहते हैं जब चोर पकड़ा जाए तो फिर आखिर क्या जवाब देगा फिर वो। ऐसे में ईशा मलविया की लाइव शो में करण जौहर ने बड़ी ही तबीयत से औकात लगाते हुए नजर आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंस को अच्छे भी लगी, क्योंकि हर किसी को जो भी मुनावर से आकर के लड़ रहा है वो इसी बात पे लड़ रहा है कि तू यूज़ करता है लड़के को तो यूज़ करता है, लेकिन बाहर ऐसा कुछ भी गेम नहीं है, बल्कि मुनावर से लड़ने की उनको कोई वजह मिल नहीं रही। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वही मुद्दा उठाया जाए जो कि आयशा उठाती रहती है हर बात बात पर बात बात पर। फिलहाल देखो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि ईशा को इस बात पे औकात मिली, क्योंकि देखो बाबा वो डिजर्व भी करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा डबल माइंडेड खेली है। करण ने साफ साफ कहा कि तू भी तो यूज़ करके यहाँ पर अभिषेक को पहुँची है।